दूंगा, समझ रहा ना? लड़के को अमास में पूनम में कब मारो बोले थे? पूनम में। और इसको बीमारियां लगा कर एक्सीडेंट करा कर सुसाइड करा कर कैसा मारो बोले थे? दिमागी टॉर्चर करके। अच्छा मेंटली उसको टॉर्चर करके खत्म कर दो बोले थे? वो दवा आप कहाँ है? उसके पेट में है, नस नस में है? कहाँ से लाए थे सवाल? कहाँ से? शमशान से लाए थे। अच्छा ये जो बच्चा है इसका क्या लेकर गए थे जादू करते टाइम पे? शर्ट चप्पल मट्टी कपड़ा क्या लिए थे? पैंट क्या लिए थे? शर्ट। कौन से कलर की थी वो शर्ट? कौन से कलर की थी? कौन? लाल याद नहीं, पीला। अच्छा और इसको खत्म करने का कब था? अम्मासवी पूनम में और ये लड़के के साथ इसके घर के और किसी को मारने का था क्या? दोस्तों को किसी को और किसी को? नहीं पूरा जला के रात कर इसका फ्यूचर पूरा बर्बाद कर दे बोले थे क्या? हाँ पूरा फ्यूचर उसका बर्बाद कर बोले थे बच्चे का? हाँ और घर में किस किस पर किए? माँ बहन बाप भैया और किसी पर? नहीं इसी पर ही किए। अच्छा मैं नाम नहीं पूछा किसने जादू किया। अभी मुझे ये बता ये लड़के के माँ के खानदान के लोग थे क्या, बाप के थे क्या, दोस्ताने के थे जिसने जादू किया? तो नाम मत बोल, सिर्फ किधर के लोग थे वो बोल। नाम हम तुझसे आगे के चक्कर में पूछेंगे, अभी बयान कर। नहीं समझ नहीं आ रहा था। अच्छा अभी तो नाम नहीं बताएगा, चल फिर तुझे मौका देंगे हम, जाकर याद करके आना। दूसरी चक्कर में नामों के साथ सबको बयान करना क्या दुश्मनी थी वो भी बयान करना, समझ गया ना? समझ गया ना? मैं तो दो टुकड़ों में तुझे चीर के इधर की शूटिंग, मैं तो दो टुकड़ों में तुझे चीर के फेंक दूंगा, समझ गया ना? लड़के को अमास में पूनम में कब मारो बोले थे? पूनम में। और इसको बीमारियां लगा कर एक्सीडेंट करा कर सुसाइड करा कर कैसा मारो बोले थे? दिमागी टॉर्चर करके। अच्छा मेंटली उसको टॉर्चर करके खत्म कर दो बोले थे? वो दवा आप कहाँ है? उसके पेट में है, नस नस में है क्या, दिमाग में बैठी जाकर? नहीं पता। खिलाए वाली? मेरे हाथों में बहुत मूंगी आ रही है, बहुत जलाऊंगा, अभी तो पूरे टुकड़े कर दूंगा जलाकर। पागल पागल करके खत्म कर दो बोले थे बच्चे को? चलो इसको जकड़ के लो, इसको तेजी के साथ में इसको आगे सब याद करके आईने सुन ले गौर से। लड़के के अंदर जो कौन डाले थे, इसका क्या नाम है छोकरे का? हसन। मोहम्मद हसन के अंग में कौन डाले थे, कहाँ से आया था, कब इसकी जान ले था, कितने लोग मिले वाले, सब बयान करना आगे के चक्कर में, समझ गया ना? चल ओए मोहम्मद हसन पानी पियो। ये जो मामला है ये खुद ब खुद आए वाली कोई बला कोई शय नहीं है, ये छोड़ा हुआ है, उसने बताया उसके जबानी अंदर हाजिर होकर कि उसको पूनम पूनम में कुछ तो भी लाकर पावर मिल रहा है उसे, कोई बलाओं को शहरों को भी दे दो इसकी जान लेने के लिए लड़के की, और ये लड़के को मेंटली तौर से उसको परेशान करके और उसको ख़त्म करने वाले से खेल चल रहा है। कौन करा, क्या करा, कितने लोग हैं, नाम यहाँ नहीं निकलेगा तो कहाँ निकलेगा? जादू करने वाले लोगों तुम्हारा नाम मेरे से छुप नहीं सकता, ये अल्लाह ने दिए वाले अल्लाह के कलाम इलाही का मौजज़ा है, तुम्हारा नाम तो यहाँ बयान होने वाला है क्योंकि तुम एक दूसरे पे जादू टोना करेंगे और सोचेंगे हमारा नाम सामने नहीं आएगा, बिल्ली दूध पिंगी आंखें मुझके और सोचेंगे मुझे कोई देख रहा नहीं, ये बात तो गलत है ना, सबको पता चलेगा, सब तो देखेंगे। और दूसरी बात तुम ऐसे हरकत करेंगे, दूसरे के बच्चों को मारेंगे, तुम्हारे बच्चों को सुकून से रखेंगे, ये गलत बात है ना, ये धरती का ये दुनिया का ये कायनात का निज़ाम नहीं है, ये निज़ाम इलाही नहीं है,
कि तुम खुद खुद का घर अच्छा रखेंगे और दूसरों का घर गर्म पानी से जला देंगे, किसी की औलाद को मच्छी के जैसा तड़पा के मेंटली टॉर्चर करा के उसको पागल करा के मार देंगे बलाओं के जरिए, तुम ऐसा सोच रहे, मगर अल्लाह ने तीर को नीर भी रखे अल्लाह है। हाँ तुम क्या समझे, तुम्हारी बाकरत चल रहा दुनिया में, शैतान तुम्हारा बाप है और तुम लोगों को तकलीफ देंगे, शैतान को जूती पे मारने वाले हम भी है ना, फिर बैठे वाले और जूती से मारने वाले, फुटबॉल को कैसे मारते जूती पे रखे, वैसे शैतान को मार के भगाते ना फिर अल्लाह के हुक्म से। और दूसरी बात, तुम्हारे बाप दादाओं का राज चल रखा था, लोगों को जला दे रहे, उनकी जिंदगियां खत्म कर दे रहे, खराब कर दे रहे उनके फ्यूचर और बच्चों के बर्बाद कर दे रहे, ये गलत बात है, बहुत सारी गलत बात है। इबादत की राह को मजबूती से थामो लोगों और तौबा कर लो, क्योंकि जब तक तुम्हारी तौबा अल्लाह कबूल करने वाला है, जब तक तुम दुनिया में जिंदा है, तुम मर के खबर में चले जाएंगे और तुम खून के आंसू भी रोएंगे, तुम्हारे आंसू सूख जाएंगे रो रोकर और खून तुम्हारे आंसू की जगह जारी होना चालू हो जाएगा, तो भी तुमको माफी नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी माफी, क्योंकि तुम दुनिया में नहीं मांगे थे ना, वहां कहां की माफी मिल जाए, यहां से माफी करके, यहां से मगफिरत की दुआएं करा के देंगे, यहां से सबके हर मामले में सगीरा कबीरा गुनाहों की अल्लाह से माफी मांग के देंगे, तो तुम दोनों दो जहानों में महफूज रहेंगे और वहां की भी जहां में तुम पास हो जाएंगे एग्जाम, वहां का यहां के एग्जाम की तैयारी कैसे कर रहे तुम पास होने के। तो याद रखना ये सब बातें जो मैं बोलता हूँ ना, ये कोई बेबुनियाद बातें नहीं होता, मैं तुमको दीन हदीस अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से थामो ये बताता मैं तुमको, सारे बातों का निचोड़ लास्ट में ये निकलता। और मैं हमेशा बोलता कि कुरान कलाम इलाही की रस्सी को मजबूती से थाम के चलो और दिन रात सुबह शाम उसकी तिलावत सुनो, गाना सुनने मजे से आ रहा तुम आपको, वो सुनने आता ये सुनने आता तो वैसा वो तरीके से ये भी सुनो, कवालियां सुन रहे, गाने सुन रहे, म्यूजिक सुन रहे, अजीब व गरीब किस्म के म्यूजिक सुन रहे, कुरान इलाही को कलाम इलाही को सुनो। और दूसरी बात, किरातों में अलग अलग किरातों में सुनो, ऐसे आंख बंद करके मेडिटेशन भी कर रहे लोग, तो मेडिटेशन ऐसे किया करो कि आंख बंद करके सूरह यासीन पूरा सुनो 10 मिनट खामोश बैठ के, हो जाओ उसके अंदर, फिर तुम्हारे को तुम्हारे रूहानियत तो गजा मिलेगी सही तरीके से और मजबूत होंगी और तुमको फिर कुछ अजीब फीलिंग महसूस होंगी और एक अलग मजा आएगा तुमको जीने का। जरा देखो तो सही, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब करके 5-10 मिनट सुबह में क्या बोलते, तो उठने के बाद या दोपहर में या रात में कभी भी खाली रूम के अंदर आवाज सब बंद कर देना, कोई चीजों के गाने वाने नहीं आना, टप टुक पैक सूरह यासीन सूरह जीन जो भी तुमको लगाना लगा के खामोश आंख बंद करके गौर से सुनो 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 किरात में जोर से लगा, फिर देखो तुम्हारे को कैसी शक्ति अंदर से प्राप्त होती और कैसी तुमको रूहानी सुकून अता होता है। और किसी का क्या जेंगा रे बेवकूफ लोगो, अगर तुम अमल नहीं करेंगे तो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भी, ये जो मैं बोलता ना तो वो सही बताता मैं कि तुम अगर मेरी सीख नहीं मानेंगे, सुनेंगे नहीं मेरी बातों को, अमल नहीं करेंगे, तो फिर तुम दर दर जाके जादूगरों के पास में भीख मांगते बैठेंगे, ये जादूगर को ये दे दे, तावी दे दे, पानी दे दे, फलाना देख सो ऐसे भीख मांगते, फिर उतर उतर अल्लाह की दर को चुनो, अल्लाह उसके रसूल के दर की रस्सी को मजबूती से थामो, औलिया अल्लाह के दर को मजबूती से थामो, औलिया अल्लाह के दामन अगर तुमको मिल गए तो उनके दामनों को थाम लो, अल्लाह तुम्हारे को सारे वबाओं से बलाओं से जिन्नातों से शैतान हर चीज से महफूज रख के तुम्हारी दुनिया आखिरत बना देता। बहुत सारे बातें कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कौन से आए थे अभी? लोनावला से। अच्छा, लोनी वाला बोलकर है पूना के पास में शहर में, क्या जिला क्या है सो पूना है क्या? हाँ पुणे जिला है, वहाँ से आए बच्चे को क्या तकलीफ होती थी? इसको अभी 6 महीने से है ना, पेट में दर्द, उल्टी और लूज मोशन, पेट साफ नहीं होता था, गैस हो जाता था, फिर दवाखाने में ले जाके सलाइन चढ़ाएंगे, फिर वो गैस साफ पास होता था, फिर मोशन होता था, फिर उल्टी होती थी, फिर वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता था। फिर बम्बई में भी उसको डॉक्टर को बताया तो क्रोन्स बोल के कुछ रहता, अथड़ियों में छाले सा अल्सर की तरह। वो तो जो भी था मामला भी आपके सामने आया, बयान हुआ, आपने सुने ना आपके जबानी आपके कान से जो भी उसकी जबानी, इंशाल्लाह आगे नामों के साथ पूछूंगा दूसरे राउंड में, बट ये मामला जो है खुद ब खुद लगा हुआ नहीं है, खुद ब खुद अगर लगा हुआ होता तो अब भी इन्होंने बाहर निकाल के फेंक देता था हमें, अंदर कुछ खिलाकर खेल चल रहा है, बोला उसने बयान किया ना। अब आगे सब तफसील में पूछूंगा किस चीज में खिलाए थे, क्या क्या है, क्या दास्तान है, वो बला को पकड़ के सीधे तरीके से, बट बहुत सारे राज है, बहुत सारे बातें हैं, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब उन्होंने तो यही, इससे पहले कभी हाजिर हुआ क्या घर पे? नहीं कहीं दुआ पानी में सवाल जवाब हुए क्या? शनिचर अम्मास को, अमावास को वो और शनिचर को दिन, ऐसे दिनों में उनके बच्चे की तबीयत खराब होती थी, वो बोल रहे और कभी हाजिर नहीं हुआ, और यहाँ हाजिर नहीं हो तो कहाँ हाजिर हूँ, यहाँ तो हाजिर ही होता अल्लाह के फजल करम से, नाम सवाल जवाब तो निकलने से वाले, मैं मेरे हिसाब से निकालता सवाल जवाब और नाम, तुम मुझको बोलिए तुम्हारे दिल को पहले भागता मैं, अगर तुम्हारे दिल के अंदर लड़ाई झगड़े करने की नियत होती तो तुम्हारा नाम सामने नहीं आता, तुम्हारे दिल में लड़े झगड़े की नियत नहीं, जी बोल के नाम सामने आ जाता इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से।
और जो भी इंसान है उसको तो सजा देने का इख्तियार और उसको सजा देने का तुमको नहीं है लोगों, क्योंकि उन्होंने जादू टोने की मदद लेके तुमको परेशान करा, तुम्हारे फैमिली को परेशान करा। उसको जादू टोना हटाना अल्लाह ने किसके हाथ में निजाम दिया? जब अल्लाह ने हटाने का निजाम दिया तो अल्लाह ने पलटा के मारने का भी निजाम दिया ना, फिर फटका। और वो फटका मारने की इजाजत किसको रहती? जो हटाने वाली ताकत जिसको अल्लाह ने दिया, फिर वो किसकी ड्यूटी होगी? मेरी ड्यूटी होगी। और तुम्हारा दुश्मन को कैसा मारना, क्या मारना, उसको पहले मौका देते सुधरने का, अल्लाह रहमान और रहीम है, फिर उसको मौका देता सुधरने का, नहीं सुधरा तो फिर उसको फटका देते। इतनी भयानक तरीके से देते, ना दवा गोली कार करती, ना फिर दुआ पानी कार करता, ना फिर कोई बुजुर्ग आने दिन उसके सिर पे हाथ रखते, बोलते चल निकल सामने से, भाग यहाँ से, क्योंकि तू डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से मार पड़े आएगी। फिर ऐसे बहुत सारे राज है, मैं तुम्हारा उसको खुल के नहीं बोल सकता, मगर इन शॉर्ट में तुम लोग समझ जाओ, ठीक है। हेलो, हाँ बोलो, रुको ना 10 मिनट, तुम लोग होती घोड़े पे क्या चल चल रहा, दो मिनट रुको। तो फिर उसके बाद में तुम्हारे क्या बोलते, तो ये सब दास्तान है, बहुत सारे राज, बहुत सारे बात। हाँ लोगो, ये बात याद रखो, मुझे फोन उठाने को टाइम नहीं मिलता। हेलो सुनो, फोन उठाओ, तुम्हारा फोन उठाओ, फोन उठाओ, कैसा उठाओ? तस्बीह लेके पढ़ते बैठेंगे तो क्या तस्बीह को रोक के फोन उठेंगे क्या? तिलावत चल रही तो कुरान का रुकू आने से पहले रोक के फोन उठेंगे क्या? इसलिए ये भी बात याद रखो, दुनिया में वो इंसान सबसे बिजी है रियल मायनों में जो इबादत कर रहा, क्योंकि उसकी इबादत की लाइन जो चलती वो टूट नहीं सकती ना, मजबूर रहता हूँ, क्या करेंगे कैसा? तुम्हारा मैं तस्बीह देके बोलूंगा 100 बार दरूद शरीफ पढ़ो, तुम 100 बार दरूद इब्राहिम पढ़ रहे, और मैं बीच में तुम्हारा फौना करूंगा, तुम्हारा 50 बार इशू हो तो तुम 50 बार का रोक के फोन उठा सकते क्या? तुम बोलते नहीं नहीं मेरे पर पूरा 100 हों दो, उसके बाद मैं उठाऊंगा। तो टारगेट, इसलिए मेरे को व्हाट्सअप पे टैग वो करते जाना, जो भी तुमको मैसेज डालना है, जो भी XYZ, तो व्हाट्सअप पे सवाल करना जाना, मेरे को ज्यादातर फोन उठाने की याद। हाँ मैं खाली रात में रहता हूँ, बोलो पलटा कर जवाब देता हूँ या उठा दूँ या बाद में लगा दूँ, इसलिए थोड़ा एडजस्ट भी करते जाओ, थोड़ा समझते भी जाओ, किसी की मजबूरी भी रहती, फोन नहीं उठा, फोन इच नहीं उठा रहे, फोन इच नहीं उठा रहे, तो कैसा उठेंगे फोन? फोन उठाने जाएंगे तो दूसरे लोग उठ जाएंगे ना, फिर आसमान में चल जाएंगे ना, फोन उठाने के चक्कर में मर जाएंगे, शैतान मार देंगे, तरीके तुमको नहीं मालूम, तुम अपने जैसा समझ रहे, सब पूरी काम टेकड़े बढ़ियाले घर में आने के इसको फोन लगा के इंतजार करो, ऐसा नहीं रहता भाई, तुम्हारे फोन पे कॉल नहीं आते, मेरे इस पे दिन भर में 4,000-5,000 कॉल लगते, 4,000-5,000 व्हाट्सएप पे मैसेज लगते, मैं उत्ते पलटा के देना पड़ता। बहुत सारे बातें हैं, खैर अब मैं तुम क्या बयान करूँ, बस इतनी बात याद रखना, अल्लाह का इन्हें सुनने ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हर मुसलमान की इज्जत और आबरू की जान और माल की, उसके बंदों की सबकी हिफाजत करे, और मोमिन बंदे ही नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब कुरान सुन सकते, पढ़ सकते, घर में बजा सकते, सुनो हिंदू मुसलमान हर कोई, क्या पता अल्लाह तुम्हारा सुनने की बरकत से निगेटिव ताकतें भी भगा देगा तुम्हारे घर से, दीन और दुनिया की दौलत से भी तुम्हारा नवाज देगा, तुम्हारे सब आखिरत दुनिया सब सवर जाएंगी फिर दीन दुनिया की दौलत से, इसलिए बेहतर है कि अमल करो, इबादत करो, कुरान आखिर चलो रोक दो, अल्लाह कहीं सुनेगा तो।